वाह सानिया, क्या ग्रीनरी है यार इधर। ग्रीनरी तो है ही अहमदाबाद। और आपको पता है कि इस्लामाबाद जो है वो दुनिया का हसीन तरीन कैपिटल सिटी है। यस एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इस्लू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ग्रीन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। जी आपको मैं बता चलूं, इस्लामाबाद बेसिकली इज इन अ वैली, चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, और जो वैली होती है यकीनन बहुत खूबसूरत होती है, और इट्स अ वेरी प्लान्ड सिटी कि यहाँ पे जब आप मूव करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी सड़क कहाँ से जा रही है कहाँ से जा रही है, आपको सिंपल आइडिया होगा कि एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। एम आई राइट? बिल्कुल आपने ठीक कहा है अहमद अब्बास। और हमें ये भी मालूम है कि आप जो है हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपको इस्लामाबाद की तमाम जो है ना खूबसूरत तरीन जगह दिखाएं। डेफिनेटली हमें किस तरह पता चल रहा है कि ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? आप लोगों की ईमेल्स जो हमें रिसीव हो रही हैं उससे हमें पता चल रहा है इस प्रोग्राम की पसंदीदगी का, और इस्लामाबाद की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है हमें पता चल रहा है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट वी एब्सोल्युटली एग्री दैट इट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद व्हिच इज अट्रैक्टिंग ऑल योर लेटर्स एंड ऑल योर फीडबैक। राइट, तो बात ग्रीनरी की हो रही है, तो इतनी खूबसूरत सी ग्रीनरी जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये है कैपिटल प्लांटर्स। जी ये बहुत खूबसूरत सी नर्सरी है, और यहाँ पे आपको हर किस्म के पौधे मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी, लोकल भी, और जो आप चाहेंगे, जो पौधा आपने किसी ज़माने में स्विट्जरलैंड में देखा था एंड यू वांट टू बाय इट, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो वो पौधे भी आपको यहाँ मिलेंगे। क्यों सानिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेल, फॉर मोर डिटेल्स व्हाट यू हैव टू डू इज स्टे विद अस एंड डोंट फॉरगेट कि आप यहाँ आ सकते हैं, ये कैपिटल प्लांटर इन द ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। Like to watch. If you're into rugby, believe it or not, we've got rugby right here in Islamabad. So here we are in Chatpata Islu talking to some people who are into rugby. Hi, how are you? Very well, thank you. And you're Elizabeth? I am. And you are? Sam. Yeah. Okay, so Sam and Elizabeth, welcome to our show. You've been in Islamabad for long? I've been in here for 5 months. You've been here for 5 months. How do you like it here? It's warm at the moment. And this is like the warmest time. I mean, this is like June, July, August are the hottest months in the year. And you're watching a game of rugby in this heat. Yeah. Why? There wasn't much else to do, so... I mean, well, isn't it better to just, you know, relax at home on a weekend than come here in the sun to watch this? You need to get out of the house occasionally, so... Yeah, okay, that's... You know, it's good to have you here. We're glad that there's some kind of sport and everybody's having a good time. Is this also sponsored by you, or they're all...? No, not yet. मतलब कि जारी सी बात है, और 3-4 साल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम एज अ पाकिस्तान साइड हांगकांग जा रहे हैं। जी जनाब, दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान से जब बाहर जाके खेलते होंगे तो उस वक्त क्या स्पिरिट होती होगी, दैट्स द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फरीद, थैंक्स अ लॉट। Hey, you must be wondering what we are doing over here. What kind of hangout is this anyway? So, आपको बता दे चलें कि हम हैं कोसार मार्केट के बहुत ही पॉपुलर बुक स्टोर पे, जिसका नाम है लंदन बुक्स। जैसे कि आपको नाम से ही एहसास हो गया होगा कि ये है कोसार मार्केट, यानी कि हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं, यानी कि इस मार्केट की लोकेशन कुछ इस तरह से है कि बहुत करीब है इसके हिल्स, और यही वो वजह है कि बहुत से लोग यहाँ आते हैं चिल आउट करने के लिए, यानी कि इट्स नॉट जस्ट द प्लेस फॉर द इंटेलेक्चुअल्स एंड द पढ़ाकू टाइप्स। यहाँ पे जो लोग वॉक करने आते हैं, हाइकिंग करने आते हैं, जॉगिंग शॉगिंग करने आते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं चिल आउट करने के लिए। ऑफ कोर्स ऑल यू नीड इज अ गुड बुक, अ परफेक्ट एनवायरनमेंट टू रिलैक्स, यू कैन रेस्ट द वे यू वांट टू, एंड बेस्ट ऑफ ऑल यू हैव रिफ्रेशमेंट्स हियर। सो लेट्स गो एंड रिलैक्स। Where are we going? Are we going to somebody's house? Are we going to some gallery? Well, we're going to the treasure of books right here in London Books.
जनाब किताबों की सिलेक्शन हमेशा से मुश्किल रही है, लेकिन लंदन बुक में आके ये प्रॉब्लम भी हम सबकी सॉल्व हो जाती है। वो क्यों कि जब आप किताब लेने जाते हैं तो उसके दो चार सफ़ात जो हैं पढ़ के देखते हैं, आगे पीछे पलट के देखते हैं और फिर देखते हैं कि किताब किसने लिखी है, कैसी लिखी है और क्या पोजिशन है। तो जनाब इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया लंदन बुक ने, वो इस तरह हर किस्म का आपको यहाँ पे लिटरेचर मिलेगा, हर किस्म की आपको बुक मिलेगी, जो भी आपको ज़रूरत हो वो यहाँ पे आपको बुक मिलेगी। आप आएँ यहाँ पे बुक सिलेक्ट करें और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ना भी हो तो एट द बैक यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा कैफ़े भी बनाया गया है, वहाँ पे आप बैठें उस बुक को पढ़ें, अगर पसंद आती है तो नीचे काउंटर पे जाते हैं उसकी पेमेंट करें और घर ले जाके आराम से पढ़ें। और यहाँ पे कैफ़े में अगर बैठेंगे तो साथ साथ चाय से भी लुत्फ़अंदोज हों, कॉफ़ी भी पिएं और साथ स्नैक्स भी लेते रहें। या आपका कोई दोस्त है जिसे किताबों से ज़्यादा शगफ नहीं है और वो सिर्फ आपके साथ आ गया है और बैठना कहीं चाहता है, सो एट द बैक कैफ़े में बैठे और स्नैक्स वैक्स लें और आप इतनी देर में अपनी बुक सेलेक्ट करें एंड गो होम। सो यहाँ पे चूँकि हम आज मौजूद हैं लंदन बुक में और लंदन बुक में खूबसूरत कैफ़े भी है, तो कैफ़े भी आपको दिखाएंगे और किताबों की सिलेक्शन आपके ज़िम्मे है, जल्दी से कर लीजिएगा। अच्छा जी, जाते जाते हम ज़रा बात करते हैं यहाँ के मैनेजर साहब से, तो मैंने उनसे कुछ सवाल करने हैं जस्ट बिफोर वी गो। और अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि आपने इतनी स्वीट कम्फर्टेबल सी जगह सेटअप की हुई है, लेकिन हम अभी जाने लगे उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ कि आपके ऐसे कस्टमर्स जो कि बहुत रेगुलरली आते हो वो कहीं भी रात के वक्त आ जाएं और उनको खाना जो है वो ना मिला, मतलब होता है कि वो मांगे और फिर उनको कुछ भी ना मिले? नहीं, खाने का तो इतना हम नहीं यहाँ अरेंज करते हैं। कैफ़े हमारा वो सब तकरीबन 8 बजे क्लोज करते हैं। इन केस अगर कोई बुक्स के लिए आए या मैगज़ीन के लिए आए तो हम दुकान बंद भी कर रहे हैं, तो कस्टमर को पहले फुर्सत में कहते हैं कि आओ, मोस्ट वेलकम। यानी कि यू कैन कम एनी टाइम एंड ऑल टाइम। थैंक यू। जी जनाब, ये कैसे हो सकता है कि आप कोसार मार्केट आएँ, लंदन बुक शॉप आएँ और यहाँ पे इधर तक आ जाएँ तो यहाँ पे टेबल टॉक पे ना आए? टेबल टॉक एक बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है यहाँ का, जिसपे आपको इटालियन फूड मिलेगी, मैक्सिकन फूड मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा। सो जब भी आपका विजिट हो कोसार मार्केट तो टेबल टॉक आने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिन के टाइम भी, शाम के टाइम भी और लेट आवर्स में भी बहुत रौनक होती है। बिल्कुल आपको वही मॉल मिलेगा जैसे पेरिस में शांज़े स्ट्रीट, या आई मीन इट। सो जब भी आना चाहें तो ज़रूर आइएगा। वेल हेलो, टेबल टॉक में देखते हैं कि क्या टॉकिंग शॉकिंग हो रही है, हु इज़ हियर एंड हु इज़ नॉट। एनी हाउ, मैं आपको तंग करने के लिए आ गई यहाँ पे और देखा ये जा रहा है कि आपने खाना जो है वो खा लिया है। एंड इज द बेस्ट टाइम और इज द वर्स्ट टाइम दैट आई कुड कम एंड आस्क यू क्वेश्चन? गुड टाइम। यू थिंक इट्स अ गुड टाइम बिकॉज़ यू पेड? वी पेड एंड वी हैड, यू नो, दे हैड द मैक्सिकन नाइट टुडे, सो इट वाज मैक्सिकन फूड। What else happens in the Mexican night? That kind of environment that if they're serving a certain food from a certain, like a Mexican, so it should be Mexican music and maybe Mexican dress. Okay, let's talk about Islamabad. What do you like about Islamabad? Islamabad? It's a nice city. It's a nice city. Why? People say it's really dead. Dead? No, it's very much alive. Especially if you come to a place like this. Sorry? It's very peaceful. It's peaceful. Yeah. Why? The Karachiites might not like it because of that, but we prefer it because it's peaceful. ओके, दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस जिसका मैं जिक्र कर रहा था लंदन बुक्स में। जनाब जहाँ पे खाने पीने की बात हो वहाँ क्यों नहीं फेवरेट? कितने सारे लोग बैठे हैं, लिख रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो ये लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमने आपको कहाँ पकड़ा है। अच्छा, नहीं नहीं ठीक, मैं अक्सर यहाँ पे आके लिखता हूँ। और क्या, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है? यस, चटपटा इसलू की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कैसा जा रहा है आपका चटपटा? इज़ अ वेरी गुड शो और लोगों का रिस्पॉन्स हमें इतना अच्छा है कि हम इतनी इतनी जगह डिस्कवर कर रहे हैं। आप ये बताएं किधर हैं और काफ़ी अरसे से नहीं पता चल रहा आपका? मैं बस ये आपने आज आपने पकड़ा, मैं सिर्फ मैं यहीं पर आया करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी पीसफुल जगह है और बड़ा ज़रा शहर से थोड़ा सा दूर है हंगामे से। यहाँ बैठ के बस मुझे कॉफ़ी मिल जाती है, कभी चाय, कभी कुछ स्नैक्स भी मिल जाते हैं और फिर बैठ के यहाँ लिखता हूँ। एक राइटर की क्या बात है, कमज़ोरी होती है कॉफ़ी, सिगरेट एंड अ पेपर? हाँ, ज़रा थोड़ा सा वो एक साइलेंस सा मिलता रहता है कि वो एट टाइम्स राइटर्स ब्रेक आती है ना, कोई लिखने में कोई ब्लॉक आ जाए तो थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा कुछ कॉफ़ी पी लें। अच्छा, एक चीज़ है, एक राइटर होता है जो अपने लिए लिखता है, एक राइटर होता है जो दूसरों के लिए लिखता है, विच इज़ कॉल्ड अ कमर्शियल राइटर। आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं?
नहीं, मैं वैसे ओरिजिनली बेसिकली तो मैं अपने लिए राइट लिखता हूँ और आई राइट फॉर सीरियस लिटरेचर, और बल्कि आपस की बात है यहाँ पे मैं आपका सीरियस लिटरेचर के लिए काम कर रहा हूँ। जी जनाब, जब हम स्क्रॉल पे आप नाम देख रहे होते हैं तो उसमें आते हैं इरफान अहमद उफी, तो ये वो शख्सियत हैं जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और उसके अलावा बहुत से सीरियल्स के ड्रामोस के इन्होंने स्क्रिप्ट लिखे हैं। तो आज हमने आपको चटपटा इसलू में इनसे भी मुलाकात करा दी और इतनी अच्छी कॉफ़ी ये पी रहे हैं कि इसके बाद मुझे यकीन नहीं कॉफ़ी पिलाएंगे। एनीवेज, मिलेंगे आपसे साथ साथ इसी वक्त किसी भी जगह पे, अभी मालूम नहीं। सी यू देन। Hello ladies and gentlemen, and here I am in your program. Well, this is an exclusive segment just for you right here on Chatpata Islu. So what have we got for you? We've got some spice, and what is it that we're going to do for you? Well, we're introducing you to somebody new. Maybe yes and maybe not. Well, a little bit about the person. He sings, he acts, he's a good performer, definitely. And when he talks, he talks and he talks and he talks. A little bit more about the person. Sweet to sweet and sour to sour. That's why he changes by the hour. Well, who is this guy? Usually seen as the energetic, bubbly personality. Here. Ooh. Yes, right here beside. Okay, so scale of 1 to 10. Scale of 1 to 10, I would put myself safely on... I would say 8 on a scale of 1 to 10 as a television host. Then I do acting as well. Every now and then I get an opportunity, I'll do an assignment. Koi telefilm mil gayi to television pe film kar, TV film or a long play. I haven't done a serial which has gone on air. I have done one serial abhi recently, Humayun Saeed ka, which will go on air. I don't know when, us pe bhi kaam ho raha hai. But that's the first serial that I've done. And then I've done 2 films, movies, which I consider as as big mistakes both the times. Isn't it, acting is like, you know, part of an everyday routine as well when it comes to people think that being a celebrity, there's, you know, a lot involved and you have to be really image conscious. And do you think there's acting there as well? There are multiple kinds of celebrities, and then there's certain celebrities who are also sitting at home. ठीक है ना, क्योंकि उनको ये डर होता है कि किसी भी वक्त कोई आ जाएगा तो उनको तैयार होकर बैठना चाहिए। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं कि जो आखिरी वक्त तक कहते हैं यार, अरे यार अब क्या शूटिंग आएगी, चलो शेव कर ही लेते हैं। Somebody like me, जिसने जैसे नजर आ रहा है। Thank you. I think just sitting at home. ये वो कौन सी चीज है जिससे आप बहुत